तो आज हम आए हैं एक फार्म है यहाँ पे, एलजेपी फार्म। बहुत सारे पंपकिन है, फोटो शूट के लिए आया था मैं, वो कर लिया, वीडियो बना लिया, आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा। और ये हर तरह के पंपकिन है यहाँ पे, हर कलर के पंपकिन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई फेस्टिवल आ रहा है ना, जो जिसको बोलते हैं हॉलोवीन एंड थैंक्स गिविंग, तो उसमें इसका डेकोरेशन होता है। जैसे आप देख सकते हो हर जगह पंपकिन है, बहुत सारे हैं, हज़ारों के करीबों में आई थिंक सर, क्योंकि इतना बड़ा फार्म है इसलिए। और यहाँ बहुत बड़ा एक पंपकिन लगा हुआ है, देन ये भी बहुत मस्त बना है, वीडियो में दिखाऊंगा मैं। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज हम आए थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म है, उस फार्म में डेकोरेशन किया हुआ है। जैसे मैंने बताया, अपकमिंग एक हॉलोवीन फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है अमेरिका और कनाडा में ज़्यादातर, और उसमें इसकी डेकोरेशन करते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कलर के, देखिए यहाँ पे कुछ ख़राब दिखते हैं बट वो ख़राब नहीं है, वो उनका कलर ऐसा है। कुछ लोग ये भी लेके जाते हैं और ये महंगे बिकते हैं उल्टा। ये अपने घर के बाहर, घर के अंदर इसका डेकोरेशन करते हैं, इसके ऊपर कार्विंग करते हैं, इसको छीलते हैं। जैसे हम कहीं पे इंडिया में भी देखते हैं शादियों में कुछ फ्रूट्स को छील के रखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे घर पे करते हैं। ये फार्म का नाम है एलजेबी फार्म, ये अमेरिका में ही है, कैलिफोर्निया में। मैं गया था देखने और फोटोशूट किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक तरह के पंपकिन है, पंपकिन मतलब आप कौन से कलर में देखना चाहते हो, और सनफ्लावर भी लगे हुए हैं, सूरजमुखी मेरे फेवरेट फ्लावर हैं, देख के बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो में इसको भी क्लिक किया जाए। और इन्होंने ये बैठने की जगह बनाई है, आप फ़ोटोज़ ले सकते हो यहाँ पे। मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची, आप देख रहे हो अलग अलग तरह के पंपकिन, कलर के शेड अलग अलग हैं और बड़े साइज़ अलग अलग हैं। मैंने सबसे बड़ा पंपकिन जो देखा ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 50 किलो का देखा अभी इसी फार्म के ऊपर। आई थिंक अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाइट कलर के पंपकिन हैं, ये अलग से एक एरिया बनाया है इन्होंने फ़ोटोशूट के लिए, लोग आए फ़ोटोज़ खींचें। और अगर आपको इसमें से कोई पंपकिन पसंद है तो लेके जाइए। देखिए ऐसा बन रहा है जैसे झरना होता है ना पानी का, या नदी होती है कोई, वो बह रही है, उसी तरीके से बनाया है इसको कि एक झरने से पानी बह के नीचे आ रहा है। और ये एक बड़ा हवा वाला पंपकिन जिसमें हवा भरी हुई है, और साइज़ अलग अलग हैं। लेके जाइए, रखिए घर पर, कार्ट है, कार्ट के अंदर डालिए। यहाँ पर ये कार्ट पड़ा हुआ है, कुछ फ़ोटोज़ भी डाली मैंने इसी तरीके से, आप देख पाओ आराम से, बैठ के खिंचवा सकते हो आप भी, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये किसी ने अपने घर के बाहर किया हुआ, मैं ऐसे ही सुबह वॉक के लिए जा रहा था तो मैंने देखा घर के बाहर उन्होंने पंपकिन पैच बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पंपकिन पैच। और इस तरीके से डेकोरेशन भी होती है, देखिए घर के बाहर कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, खतरनाक है ना। और यहाँ पे भी किसी ने घर के आगे अपने जैसे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया एक्चुअली, नाम भूल गया मैं, देखिए डेड आर्मी, फुल डेड आर्मी बनाई हुई है, रेस्ट इन पीस के जो स्टोन्स है वो लगाए हुए हैं। देन उसके बाद मैंने भी सोचा मैं भी प्लान करूं, मैं भी लगाऊं अपने घर के बाहर थोड़े बहुत, तो स्कल्स लेके आया मैं इस तरीके से, उसको पेड़ के ऊपर बांध दिया। ये कुछ भूत थे वाइट कलर के, ये जलते हैं रात को, इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, तो इस तरीके से स्कल्स लगाए हैं मैंने अपने घर के बाहर पेड़ों के ऊपर। देखिए कितने अच्छे दिखते हैं, बहुत मुश्किल होता है बाहर सीढ़ी लेके आना, फिर पेड़ों पे लगाना। और इससे एक बेनिफिट है, यहाँ पे स्क्वायरल जो कि गिलहरियाँ होती हैं वो नहीं आती हैं, फिर आपके पेड़ों को नहीं खाती, या फ्रूट्स नहीं खाती, फल नहीं खाती, उससे भी ये बेनिफिट है। जो भूत लगाए हैं मैंने तो भाग जाती हैं, तो ये अच्छी चीज़ थी, इससे मुझे फ़ायदा मिल गया, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर बर्ड फूड लगाता था, तो गिलहरियाँ आती थी खा जाती थी, बर्ड्स खा ही नहीं पाते थे, तो मैंने अभी एक टांग दिए और साथ में बर्ड फूड भी रखा है, तो गिलहरियाँ नहीं आ रही हैं, नॉक ऑन वुड, मतलब अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके,
तो ध्यान से देखिएगा, मैं भी मज़ा ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है तो आपको डेकोरेशन करना पड़ता है, करना इन द सेंस अच्छा लगता है, आपके घर के बाहर होगा तो इस डेकोरेशन करने के बाद लोग बच्चे आते हैं छोटे छोटे जिनको चॉकलेट्स मांगने हैं, जैसे हमारे लोहड़ी पे होते हैं, वहाँ पे लोहड़ी होती है इंडिया में पंजाब साइड नॉर्थ साइड, वैसे यहाँ पे ये फेस्टिवल है एक तरह का, लोग आते हैं यहाँ पे लेके जाते हैं आपके यहाँ चॉकलेट बच्चे बच्चे, और अच्छा फेस्टिवल है। तो मैंने इसके हाथ जो है थोड़े खोल दिए थे ऊपर की तरफ, तो ऐसा लगे कि ये हग मांग रहा आपसे, गिव मी हग, लोग डर जाते हैं, बच्चे डरते हैं इससे, राइट। और चलिए मैं आगे लेके जाऊंगा दूसरी जगह भी, मैंने दूसरी साइड अपने घर के भी पेड़ पे लगाए हैं अलग अलग भूत, अलग अलग स्कल्स, जिससे साथ साथ में मेरी वीडियो बन रही है, देखिए। ओके, ये किसी के घर के बाहर डेकोरेशन था, रात को लाइटिंग था, तो इस तरीके से देखिए भूत टंगे हुए, मतलब आम आदमी तो डर जाए मेरा जैसा, जो नॉर्मल जिसको नहीं पता ऐसा कुछ होता है लोगों के घर के बाहर। तो पम्पकिन पैच बनाया हुआ है, पम्पकिन के स्कल्स, पम्पकिन लगाए हुए हैं, देन भूत टंगे हुए हैं हवा से, कुछ भूत आवाज़ें भी बनाते हैं और कुछ भूतों में लाइटें होती हैं, वो मूव होते हैं, तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो ऑब्वियसली डर जाओ जो नए हैं, बट फन है एक तरह का अपने आप में, ये फेस्टिवल भी एक मज़ेदार फन है। मेरे पड़ोसी ने भी खतरनाक किया हुआ है तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, देखिए वो सामने भूत टंगे हुए हैं, ये स्कल टंगे हुए हैं, देखिए पम्पकिन है, ये मैं स्टोर में गया था, स्टोर में आम मिलते हैं वहाँ पे, तो आप जाके खरीद सकते हो। तो इसको ये बोलते भी हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्राई मी, देखिए ध्यान से बोल रहे हैं ना, तो ये सारे जितने भी हैं ये अलग अलग बातें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन है, आप कुछ भी खरीदो लेके जाओ अपने घर के बाहर लगाओ, घर के अंदर लगाओ, ये बच्चे का भूत भी है, वाओ। आम आदमी डर जाए सीरियसली, रेस्ट इन पीस के कुछ बोर्ड हैं आप घर के बाहर घर के अंदर लगा सकते हो, तो मज़ेदार एक फेस्टिवल है। ये कुत्तों के बने हुए हैं, कुछ स्कल्स हैं उनके, पिंजर हैं उनके, ये भी भूत हैं पिंजर हैं, और ये एक मॉल के अंदर बना हुआ था पम्पकिन पैच, आप बैठ के पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो, ये अलग अलग पम्पकिन जैसे मैंने दिखाया ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के। तो ये सिर्फ वीडियो देखिए, मज़े लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।